नमस्कार, प्रोग्राम तारे आखते ने वेख रहे साढ़े सारे ही दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। जन्म कुंडली दे विच मौत दे योग कदों होंदे है? सानू बहुत सारे दर्शकों का पूछना है कि किदां दी मौत आ सकती होंदी है जिंदगी दे विच। प्यारे दर्शकों, फांसी लगन नाल मौत कदों आती है? जदों जन्म कुंडली दे चौथे भाव दे सूरज, दसवें दे विच मंगल होवे, कमजोर चंद्र दी मंगल दे उत्ते दृष्टि होवे, या फिर चौथे भाव दे सूरज या मंगल ते दसवें दे विच शनि होवे, तद इंसान नूं फांसी की सज़ा होंदी है। फांसी लगन नाल मौत होंदी है। फिर रोगों तो मौत कदों होंदी है? जदों अठवें भाव दे विच शनि ते चंद्र दे उत्ते बली मंगल की दृष्टि जिहड़ी है वह होवे, तां गुप्तांग दे रोग दे कारण मौत होंदी है। अठवें दे विच गुरु होवे तां एक अज्ञात रोग दे कारण मौत होंदी है। शनि ते चंद्र दे विच राशि परिवर्तन होवे तां पेट दे विच पानी भरन दे नाल मौत होंदी है। अठवें भाव दे विच गुरु होवे तां जिद्दां दस्सिया अज्ञात रोग दे कारण भी मौत होंदी है। फिर प्यास दे नाल कदों मौत होंदी है? जदों अठवें भाव दे उत्ते शनि दी उच्च दी दृष्टि होंदी है तां इंसान प्यासा ही मर जांदा है। पेट डिगन दे कारण कदों मौत होंदी है? कि जदों जन्म कुंडली दे विच राहू पंजवें च है, सत्तवें च है या नौवें दे विच है ते लगन दे उत्ते उहदी दृष्टि है, तद पेट डिगन दे नाल इंसान की मौत हो जाती है। फिर गंदगी की जगह दे उत्ते इंसान की मौत होंदी है। कई बारी जदों चौथे, सत्तवें ते दसवें स्थानों दे विच मंगल, सूरज दा कमजोर चंद्र होवे तां इंसान कई बारी किसी वैश्यालय दे विच, प्रोस्टीट्यूट्स दे अड्डे ते, फिर उदों मौत होंदी है। फिर इंसान दा जदों शनि मेष दे विच नीचता होवे, मंगल तुला दे विच, चंद्र शनि दी राशि दे विच होवे, तां इंसान टॉयलेट दे विच भी बैठा बैठा कई बारी उहदी डैथ हो जांदी है। प्यारे दर्शको, जिंदगी मौत भगवान दे हथ दे विच है। ज्योतिषी सिर्फ योग दस सकता है, लेकिन एक चीज़ असी कहांगे कि विद्वान ज्योतिषियों नूं बेनती करांगे कि प्लीज़ वो कभी भी जातक नूं उहदी मौत का कारण या समा ना दसन, क्योंकि इंसान डरेगा। बजाए इस ते तुसी उहदे माड़े ग्रहां नूं शांत करन दे लई उपाय दसो। सो प्यारे दर्शको, मौत सानूं सारिआं नूं आनी है, लेकिन मौत दे कष्ट नूं घट करन दे लई कुछ उपाय, कुछ दान पुन किते जा सकदे है परमात्मा नूं मनाउण दे लई। असीं अपनी लाइफ दे विच देखिआ कि कुछ लोकां दा मौत दा योग भी 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 2 साल इदां भी टलिआ भी है। टालन वाला परमात्मा इंसान कोई नहीं टाल सकता। सिर्फ परमात्मा का नाम लैन के नाल उहदे प्रति माड़े ग्रहां दे नाम ते दान पुन असी करते हैं, पाठ पूजा खुद करते हैं, तो जरूर ऐसे रिजल्ट्स मिलते हैं। फिलहाल दसना चाहांगे कि इदां दी सारी ज्योतिष की जानकारी दे लई ही असी अपना अखबार कढ़िया वॉइस ऑफ एशियंस, जिन्हों तुसी जरूर पढ़िया करो। सो इस तो अलावा वट्सएप पर बहुत लोग साढ़े नाल अटैच है ऑलरेडी, हज़ारा की गिनती दे विच, तो बहुत लोग साढ़े नाल जुड़ना चाहते हैं। साडा नंबर 9872620533, इस पर वट्सएप पर अपना नाम, कंट्री नेम, सिटी नेम भेज दो, साड़ी लिस्ट ऐड हो जाऊंगे। सो इस तो अलावा जड़ा है फेसबुक पर साड़ा पेज एस्ट्रोलॉजर सुखमिंदर लुधियाना इंडिया, उन्हों लाइक करके उत्थे पे जानकारी दा तुसी लाभ ले सकते हो। तो यूट्यूब पर साढ़े हज़ारा एपीसोड्स पे है जिन्हों पढ़ के देख के उदू बाद ज्योतिष की डूंगी जानकारी ले सकते हो, ताकि कोई भी थोड़ा चीट करन की कोशिश ना करे। हुण अज दा राशिफल मेष राशि वाले इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स के उत्ते छाए रहेंगे, वरिष्ठ राशि वाले पैसे की भज दौड़ अज खत्म हो जाएगी। मिथुन राशि वाले सेहत का खास ख्याल रखियो, कर्क राशि वाले लिक्विडिटी ऑफ मनी अज ज़्यादा होएगी, सिंह राशि वाले जड़ा थोड़ी गड्डी या वाहन अज ट्रबल दे सकता है, कन्या राशि वाले जातकों पढ़ाई के दिक्कत आ सकती है, तुला राशि वाले दूर दुराडे तो चंगे सुख स्नेह आ सकते हैं, वृश्चिक राशि वाले मान सन्मान वध्या रहेगा, धनु राशि वाले पोलीटिकल लोग थानू यूज़ कर सकते हैं, मकर राशि वाले अज का दिन जड़ा है नशे तो दूर रहियो, सट लग सकती है, कुंभ राशि वाले जातकों जड़ा है अज मेहमाना तो कुछ अच्छी प्राप्ति हो सकती है, तो मीन राशि वाले थोड़ा समा बहुत जल्दी बदलन वाला है। सो बहुत सारे दर्शक पूछते हैं सुखविंदर जी, असी आप आके थानू मिलना चाहते हैं, तकदीर का हाल जानना चाहते हैं, थोड़े तो रतन ते रुद्राक्ष लेके पाना चाहते हैं, वास्तु का विजिट कराना चाहते हैं या नक्शा चैक कराना चाहते हैं। प्यारे दर्शकों, इन सारिया चीज़ों के लिए सब तो पहला तुसी साढ़े को टाइम ले सकते हो, फिर आके पूछ सकते हो। साड़ा पता नोट कर लो, एस्ट्रोलॉजर सुखविंदर, 30G सराबा नगर लुधियाना पंजाब इंडिया, फोन नंबर 9417020533, वट्सएप नंबर है 9872620533।
जान तो पहला ही कहोंगे सब तो वड्डा दर्जा माँ का जो भी करना चाहते हो माँ के चरण छू के जाओ पिता जी का आशीर्वाद लैके जाओ गुरु जन के दसे रस्ते से चलो झूठ ना बोलो गाला ना कड़ो किसी का माड़ा ना करो तकदीर बहुत वधिया हो जूगी धियां नूं कुखां च तां मारियो हर घर के बाहर एक रुख जरूर लगाइयो नशियां तो परहेज करियो दसवंध कट के नेक कमां च खर्च करते रहियो थोड़ी सारी लाइफ बहुत ज़्यादा वधिया हो जाएगी। सो कल फिर मिलांगे एक नवे विषय के नाल कल तक लई नमस्कार।